हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अट्रैक्टिव लूप्स। फ्रेंड्स, आपने जैकेट को देखकर वीडियो पर क्लिक किया है क्योंकि जैकेट आपको पसंद आई है और जैकेट आपको पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि बाद में आप लोग भूल जाएंगे। आज की इस वीडियो में यही ब्यूटीफुल सी जैकेट आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मैं। बहुत ज़्यादा ईजी है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। 44 to 48 चेस्ट साइज़ के लिए ये बनेगी, लेकिन अगर आप इससे कम साइज़ में इसको बनाना चाहती हैं तो उसका भी पूरा तरीका इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगी। तो आपको भी अगर ये जैकेट बनानी है तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। और वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल लगे तो अपनी फ्रेंड्स के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह के ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट आने वाले टाइम में भी इंशाल्लाह आपको मिलते रहेंगे। तो ये देखिए, सबसे पहले ऊन है, 4 ply की पतली वाली ऊन है, साथ में 10 number क्रोशिया हुक मैंने इसके लिए लिया हुआ है। आप 4 ply की जगह 3 ply की वुल भी इसके साथ यूज़ कर सकते हैं। ऊन जितनी पतली होगी उतना ही डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा और खूबसूरत बनेगा, ठीक है। विंटर और समर्स के लिए, दोनों के लिए ही आप इसको बना सकते हैं। समर्स के लिए आपको कॉटन का जो थ्रेड आता है पतला वाला, वो यूज़ करना है। आजकल कुर्ती के ऊपर शॉर्ट जैकेट का भी काफ़ी ट्रेंड है, तो आप शॉर्ट करके भी इसको बना सकते हैं समर्स के लिए। तो ये देखिए, इस तरीके की 8 पट्टियाँ सबसे पहले हमें रेडी करनी है। और आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल पैटर्न है ये। तो इसकी सबसे पहले चौड़ाई मैं आपको दिखाती हूँ, 4 ply की पतली वाली वूल के साथ में जो इसकी चौड़ाई बनी है ना, ये 6 inch की इसकी चौड़ाई है। 8 पट्टियाँ जब हम एक साथ जोड़ेंगे तो 48 इसकी चौड़ाई बैठेगी और 44 to 48 चेस्ट साइज़ के लिए ये इजीली आ जाएगी। लेकिन अगर आपका साइज़ इससे कम है तो आप इसको कम साइज़ में भी बना सकती हैं। उसके लिए इस पट्टी की चौड़ाई को हमें कम करना होगा, उसका तरीका भी इस वीडियो में आगे आपको बता दूंगी मैं। 8 पट्टियाँ बनेंगी और 8ों के ऊपर ही हमें गले की और मुड्ढे की कटिंग भी करनी है और उसके बाद में फिर इनको ज्वाइंट किया जाएगा। तो पूरा तरीका इसका आपके साथ शेयर करूंगी मैं और ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा और आप इसको ईजिली बना भी लेंगे। तो आइए, इसका जो पैटर्न है, सबसे पहले इसका पैटर्न देख लेते हैं हम कि इस पट्टी को बनाना किस तरीके से है, ठीक है। तो सबसे पहले एक मैजिकल रिंग हम तैयार करेंगे, उसके लिए फिंगर्स पर उनको लपेटेंगे, अब नीचे वाली उनको ऊपर उठाएंगे और पीछे वाली उनको आगे लेकर आएंगे, तो ये एक मैजिकल रिंग हमारा बन जाएगा। यहाँ पर ऊन और क्रोशिया हुक मैंने चेंज कर दिया है ताकि आपको डिज़ाइन अच्छा खुला खुला बनाकर बता सकूँ मैं। अब इस रिंग के ऊपर 3 chain बनाएंगे और ये 3 chain एक डबल क्रोशिया स्टिच की तरह काउंट होगा। अब क्रोशिया के ऊपर ऊन को लेंगे, रिंग में क्रोशिया डालेंगे, ऊन को आगे लेकर आएंगे। अब ऊन लेकर पहले 2 loops में से निकालेंगे, फिर 2 loops में से निकालेंगे, तो ये एक डबल क्रोशिया स्टिच कहलाता है। 3 chain को मिलाकर ये 2 stitch हो गए। उसके बाद में फिर से इसी रिंग के ऊपर एक डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे, एक और बनाएंगे, तो कुल मिलाकर 24 डबल क्रोशिया स्टिचेस कंप्लीट करने हैं हमें इस रिंग के चारों तरफ। तो ये 24 स्टिचेस कंप्लीट करके दिखाती हूँ मैं। ये देखिए, 24 स्टिचेस मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। अब ये जो ऊन की टेल है रिंग वाली, इसको हम खींचेंगे और ये रिंग जो है छोटा हो जाएगा इस तरीके से। अब स्टार्टिंग में जो 3 chain बनाई थी उसकी टॉप चेन में इसको स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट करेंगे हम, चेन में क्रोशिया डालेंगे, उनको आगे लाएंगे और जो लूप क्रोशिया में है उसमें से भी ऊन लेकर क्रोशिया निकाल देंगे, तो ये स्लिप स्टिच कहलाता है इस तरीके से। ये फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया, अब सेकंड रो स्टार्ट करेंगे। इसके लिए फर्स्ट रो की तरह ही पहले 3 chain बनाएंगे और ये 3 chain एक डबल क्रोशिया की तरह काउंट होगा। अब यार्न ओवर करेंगे। अब ये देखिए, 3 chain के ऊपर 3 chain आ गई। नेक्स्ट वाला हमारा डबल क्रोशिया स्टिच है, इसकी चेन में क्रोशिया डालेंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यार्न ओवर करेंगे और नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। ये 3 chain को मिलाकर 3 stitch हो गए। इसके बाद में 2 chain बनाएंगे, 2 chain बनाकर यार्न ओवर करेंगे और नेक्स्ट वाली चेन में एक डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। अब यार्न ओवर करेंगे, नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, नेक्स्ट वाली चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 2 chain के बाद में ये 3 double crochet फिर से बनाए हैं। एक बार और 2 chain बनाएंगे, यार्न ओवर करेंगे, नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। तो कुल मिलाकर 3 double crochet स्टिचेस के 4 set कंप्लीट करने हैं हमें 2 chain space के साथ में, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और कुछ भी सवाल आपके मन में आता है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट कर दीजिएगा, आपके कमेंट का रिप्लाई कर देती हूँ मैं। और अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरा बाकी काम ज़रूर देखें, आपको मेरा काम बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। ये देखिए, 3 double crochet 2 chain, 3 double crochet 2 chain, 3 double crochet 2 chain और 3 double crochet, इस तरीके से 4 बार हमने ये बनाए हैं। अब थर्ड रो स्टार्ट करेंगे, इसके लिए 3 chain बनाएंगे, इस पीस को टर्न करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 3 बार 2 2 chain का स्पेस है, तो यार्न ओवर करेंगे और पहले वाली चेन स्पेस में क्रोशिया डालेंगे और एक डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया स्टिच और बनाएंगे,
एक डबल क्रोशिया स्टिच और बनाएंगे, तो ये तीन स्टिचेस हो गए। इसके बाद में दो चेन बनाएंगे स्पेस के लिए, अब यार्न ओवर करेंगे और इसी वाली चेन स्पेस में तीन डबल क्रोशिया स्टिच और हम बनाएंगे। तो ये हमारा एक बार का पैटर्न यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, तीन डबल क्रोशिया, दो चेन और तीन डबल क्रोशिया। अब दो चेन का स्पेस देंगे, यार्न ओवर करेंगे और दूसरे वाले चेन स्पेस में सेम पैटर्न बनाना है हमें, तीन डबल क्रोशिया, दो चेन और तीन डबल क्रोशिया स्टिचेस हम बना लेंगे इसके ऊपर भी। तो फ्रेंड्स, तीनों चेन स्पेस के ऊपर यही पैटर्न डालना है हमें। उम्मीद करती हूँ आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी बाकी की वीडियोज़ देखें। आपको मेरे चैनल पर काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल, यूनिक और डिज़ाइनर काम देखने के लिए मिलेगा। इससे पहले काफ़ी सारे कार्डिगन्स और जैकेट्स, लेडीज़ जैकेट्स बना चुकी हूँ मैं अपने चैनल पर, वो सारी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, आप वो वीडियोस भी ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो के एंड में और ऊपर कोने में आई बटन है, उस पर क्लिक करके भी आप मेरी बाकी वीडियोस देख सकते हैं। और कोई भी सवाल इससे रिलेटेड आपके मन में आए तो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, आपके कमेंट का रिप्लाई कर देती हूँ मैं। ये देखिए, तीसरे वाले चेन स्पेस के ऊपर भी हमने तीन डबल क्रोशिया, दो चेन और तीन डबल क्रोशिया बना लिए हैं। ये देखिए, इस तरीके से दिखाई देगा, पहला वाला चेन स्पेस है, इसके ऊपर तीन डबल क्रोशिया, दो चेन और तीन डबल क्रोशिया, फिर दो चेन का स्पेस देकर दूसरे वाले चेन स्पेस के ऊपर सेम पैटर्न, फिर दो चेन के बाद में फिर तीसरे वाले चेन स्पेस के ऊपर सेम पैटर्न हमने बना लिया है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इजी है। तीन रो कंप्लीट हो गए, फोर्थ रो स्टार्ट करेंगे। इसके लिए तीन चेन बनाएंगे और इस पीस को टर्न करेंगे। अब जो हमारे पास पहली बार का चेन स्पेस है, इसमें हम यही पैटर्न ऊपर फिर से डालेंगे। तो ये तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पर, उसके बाद में दो चेन बनाएंगे और तीन डबल क्रोशिया और इसी वाली चेन स्पेस में बनाएंगे। तो ये जो पहला वाला पैटर्न डाला हुआ है हमारा, इसके ऊपर हमने सेम पैटर्न डाल दिया है। यहाँ पर देखिए, एक जो डिज़ाइन नीचे है वही ऊपर है। अभी बीच वाला पैटर्न है, इसके ऊपर हमें ये देखिए क्या करना है, दो चेन बनाएंगे हम, यार्न ओवर करेंगे और इसके ऊपर हम अपना यही वाला पैटर्न डालेंगे पहले एक बार, तीन डबल क्रोशिया, दो चेन और तीन डबल क्रोशिया स्टिचेस कंप्लीट कर लेंगे। तीन स्टिच हो गए, दो चेन बनाएंगे और तीन डबल क्रोशिया स्टिच और कंप्लीट करेंगे। तो ये एक बार का पैटर्न हो गया। अब इसमें एक बार और दो चेन बनाएंगे, यार्न ओवर करेंगे और इसी चेन स्पेस में एक बार और तीन डबल क्रोशिया स्टिचेस हमें बना लेने हैं। ये देखिए, दो हो गए और ये तीन हो गए। तो बीच वाला जो पैटर्न है हमारा, इसके ऊपर हमने यहाँ पर तीन बार डबल क्रोशिया स्टिचेस बनाए हैं और दो बार चेन स्पेस हमने डाला है। ठीक है, इस तरीके से वर्क करना है। अब दो चेन का स्पेस देंगे और तीसरे वाले पैटर्न पर आ जाएंगे, नीचे वाले पैटर्न पर। इसके ऊपर हम यही वाला पैटर्न डालेंगे जो नीचे डला हुआ है, तीन डबल क्रोशिया स्टिच, दो चेन और तीन डबल क्रोशिया स्टिच। तो हमारा ये फोर्थ रो कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए, इस तरीके से ये चार रो हो गए हमारे। अभी इस तरीके से दिखाई देगा। देखिए, फर्स्ट रो में हमने 24 डबल क्रोशिया बनाए, उसके ऊपर हमने तीन तीन डबल क्रोशिया के चार सेट बनाए हैं, जिसमें तीन बार दो चेन का स्पेस है। पहले के ऊपर हमने पैटर्न डाला, दूसरे के ऊपर पैटर्न डाला, तीसरे के ऊपर पैटर्न डाला। अब फोर्थ रो में हमने पहले वाले चेन स्पेस के ऊपर डिज़ाइन के ऊपर डिज़ाइन डाला है। दूसरे वाले पैटर्न के ऊपर हमने यहाँ पर तीन बार तीन तीन डबल क्रोशिया बनाए हैं और बीच में दो बार दो चेन का स्पेस है। फिर दो चेन का स्पेस देकर तीसरे वाले पैटर्न के ऊपर हमने पैटर्न डाला है। यही पैटर्न हमें ऊपर तक कंटिन्यू रखना है, दोनों साइड का जो ये पैटर्न है। देखिए, पिछले रो की तरह तीन चेन बनाएंगे, पीस को टर्न करेंगे, यार्न ओवर करेंगे और जो पहला चेन स्पेस है, इसमें हम जो डिज़ाइन नीचे डाला हुआ है वही डिज़ाइन हमें यहाँ पर डाल देना है। हर एक रो में हमें स्टार्टिंग में और एंड में दोनों साइड में यही पैटर्न डालना है, बीच में हम अपना डिज़ाइन चेंज करेंगे हर बार। तो ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। ये देखिए, पहले पैटर्न के ऊपर पैटर्न डाल दिया है। अब दो चेन का स्पेस देंगे, यार्न ओवर करेंगे और देखिए यहाँ पर हमारे पास दो बार चेन स्पेस है। तो इसमें हम पहले वाले चेन स्पेस के ऊपर एक बार पैटर्न डालेंगे, ये एक डबल क्रोशिया, ये दो डबल क्रोशिया, तीन डबल क्रोशिया। अब दो चेन बनाएंगे, यार्न ओवर करेंगे और इसी चेन स्पेस में तीन डबल क्रोशिया स्टिच और बना लेंगे। ये हो गए। अब इसके बाद में दो चेन बनाएंगे,
और ये देखिए पहले वाले पैटर्न के ऊपर पैटर्न डाला है, उसके बाद में दूसरे वाले चेन स्पेस के ऊपर पैटर्न डाला है, तीसरे वाले चेन स्पेस के ऊपर पैटर्न डालेंगे और चौथे वाले के ऊपर पैटर्न डालेंगे। तो ये चार पैटर्न कंप्लीट करके दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए फ्रेंड्स चारों डिज़ाइन मैंने बना लिए हैं अपने और पाँच रो मेरे यहाँ पर कम्प्लीट हो गए हैं। अब छठा रो स्टार्ट करेंगे। इसके लिए हर एक रो की तरह स्टार्टिंग में तीन चेन बनाएंगे, इसको पलटेंगे, यार्न ओवर करेंगे और पहले वाले पैटर्न के ऊपर अपना पैटर्न डालेंगे हम। तीन डबल क्रोशिया, दो चेन और तीन डबल क्रोशिया। इसके बाद में आगे वाला जो हमारा पैटर्न है उसके ऊपर अपनी पत्ती डालना स्टार्ट करेंगे हम। तो ये देखिए पैटर्न कंप्लीट हो गया, दो चेन बनाएंगे। अब ये देखिए ये हमारा दूसरी बार का पैटर्न है, ये तीसरी बार का है। इन दोनों के ऊपर अब हमें पत्ती डालनी है, तो बीच में चेन स्पेस में क्रोशिया डालेंगे और यहाँ पर हम नौ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये एक हो गया, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ और एक बनाएंगे नौ। अब ये पत्ती के लिए हमारे नौ डबल क्रोशिया हो गए। इसके बाद में एक चेन का स्पेस देंगे, यार्न ओवर करेंगे और ये जो बीच में दो चेन का स्पेस है इसमें हम यहाँ पर अपना पैटर्न फिर से डालेंगे। ये दो डबल क्रोशिया हो गए, ये तीन हो गए। अब यहाँ पर एक चेन का स्पेस देंगे और तीन डबल क्रोशिया स्टिच और बनाएंगे। इस बार हमने यहाँ पर बीच में एक एक चेन का ही स्पेस डाला है, यहाँ पर दो चेन का स्पेस नहीं डालना है। ये देखिए एक चेन का स्पेस डालेंगे और आगे वाले पैटर्न के ऊपर अपनी दूसरी साइड की पत्ती बनाएंगे। तो ये हमारी राइट साइड की पत्ती के नौ डबल क्रोशिया हो गए। इसके बाद में एक चेन का स्पेस देकर हमने यहाँ पर बीच में पैटर्न डाला है एक एक चेन स्पेस के साथ में। अब इस वाले पैटर्न के ऊपर हम नौ डबल क्रोशिया बनाएंगे, उसके बाद दो चेन का स्पेस देकर इस वाले पैटर्न के ऊपर पैटर्न बनाएंगे और इस रो को कम्प्लीट करके नेक्स्ट रो स्टार्ट करूँगी मैं और उसका इस डिज़ाइन के ऊपर डिज़ाइन डालेंगे और फिर यहाँ तक लाकर फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसके आगे क्या करना है। ये देखिए छः रो कंप्लीट करके हमने सातवां रो यहाँ पर स्टार्ट किया है। पहले वाले पैटर्न के ऊपर पैटर्न डाला है, अब इसके बाद में दो चेन का स्पेस डालेंगे हम और जो पत्ती के नौ डबल क्रोशे हमने बनाए थे उसके ऊपर यहाँ पर फिर से इस रो में भी नौ ही डबल क्रोशे हमें कम्प्लीट करने हैं। तो जो पहली वाली चेन है उसमें क्रोशा डालेंगे और अपना पहला डबल क्रोशा बनाएंगे। नेक्स्ट वाली चेन में दूसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक एक चेन के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए नौ डबल क्रोशिया कंप्लीट करने हैं हमें। फ्रेंड्स कमेंट करके ज़रूर मुझे बताएगा अगर मेरे सिखाने या बताने में कुछ भी कमी आपको लग रही है, तो फिर उस कमी को भी दूर करने की ज़रूर कोशिश करूँगी मैं। तो कमेंट ज़रूर करना है आपको। ये देखिए नौ डबल क्रोशिया कम्प्लीट हो गए। अब इसके आगे पैटर्न है, उसके बीच में एक चेन का स्पेस है, तो यहाँ पर हम एक चेन का स्पेस देकर इस वाले चेन स्पेस में अपना पैटर्न डालेंगे। तो यहाँ पर हम तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे और जैसे हमने राइट साइड पर काम किया है ऐसे ही हम लेफ्ट साइड पर भी काम कर लेंगे। दो चेन का स्पेस देंगे और तीन डबल क्रोशिया स्टिच और बनाएंगे। तो ये रो कंप्लीट कर लेती हूँ मैं। जैसे हमने इधर नौ डबल क्रोशिया के ऊपर नौ डबल क्रोशिया बनाए हैं ऐसे ही इस पैटर्न को कंप्लीट करके नौ डबल क्रोशिया के ऊपर नौ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर आगे दो चेन का स्पेस देकर पैटर्न के ऊपर पैटर्न डालेंगे और नेक्स्ट रो स्टार्ट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये रो कम्प्लीट किया है मैंने, उसके बाद में अगला रो स्टार्ट किया हुआ है, एट्थ रो है ये हमारा। अब इसमें हमने यहाँ पर पैटर्न डालकर दो चेन का स्पेस यहाँ पर बनाया हुआ है। अब यार्न ओवर करेंगे और ये नौ डबल क्रोशिया है ना, अब इसमें हम अपनी पत्ती को शेप देने के लिए इसमें स्टिचेस कम करेंगे। तो पहली वाली चेन छोड़कर दूसरी वाली चेन में क्रोशिया डालेंगे और यहाँ से अपने डबल क्रोशिया स्टिचेस बनाने स्टार्ट करेंगे। तो इस बार हमारे यहाँ पर सात डबल क्रोशिया स्टिच हमें बनाने हैं। तो ये देखिए तीन हो गए, ये चार, पाँच, छः और एक बनाएंगे सात। सात चेन के ऊपर सात डबल क्रोशिया हो गए, नीचे नौवीं चेन है उसको छोड़ देंगे। अब यहाँ पर हम दो चेन का स्पेस देंगे, अब यार्न ओवर करेंगे और ये हमारा पैटर्न है। अब इस पैटर्न में हमें वही काम करना है जो हमने अपने फोर्थ रो में किया था। इस पैटर्न के ऊपर हम ये वाला डिज़ाइन डालेंगे। ये देखिए ये हमारा पहला रो है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा। तो जो चौथे रो में हमने बीच में डिज़ाइन डाला है ना, वो डिज़ाइन अब हम यहाँ पर डालेंगे। तो यहाँ पर तीन डबल क्रोशिया बनाने हैं तीन बार और दो दो चेन का स्पेस हम डालेंगे तीनों के बीच में। तो ये एक डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया, तीन डबल क्रोशिया, इसके बाद में दो चेन
अब इसके बाद में फिर तीन डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे, फिर दो चेन बनाएंगे और फिर तीन डबल क्रोशिया स्टिचेस कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैकेट्स और कार्डिगन्स के अलावा भी आपको मेरे चैनल पर काफ़ी कुछ देखने के लिए मिलेगा। 200 से ज़्यादा वीडियोज़ अब तक अपलोड कर चुकी हूँ मैं, और मेरा काम माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा लेडीज़ को पसंद आता है, तो आप भी ज़रूर मेरी बाकी वीडियोज़ देखिएगा, आपको भी काफ़ी पसंद आएगा मेरा काम। तो ये देखिए, पैटर्न पूरा करने के बाद में दो चेन बनाई है हमने, और ये 9 डबल क्रोशिया स्टिच है, इसका पहला छोड़ेंगे और दूसरे वाले के ऊपर से अपने डबल क्रोशिया स्टिचेस बनाना स्टार्ट करेंगे। 7 डबल क्रोशिया इस साइड में भी हमें कंप्लीट करने हैं। दो हो गए हैं, ये 3, 4, 5, 6 और एक बनाएंगे 7। तो पत्ती के 7 डबल क्रोशे कंप्लीट हो गए, दो चेन का स्पेस देंगे और आगे जो पैटर्न है उसके ऊपर पैटर्न बनाएंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से ही दिखाई देगा। तो ये हमारी पत्ती है जो ऊपर की तरफ ले जाकर हमें इसकी चौड़ाई को कम करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला रो, ये वाला रो कंप्लीट करके नेक्स्ट रो स्टार्ट करूँगी मैं, और उसके बाद में इस पत्ती पर आकर फिर दिखाती हूँ मैं आगे आपको क्या करना है। इस पत्ती की चौड़ाई को अभी और आगे हम कम करेंगे, और ये जो बीच में पैटर्न डाला हुआ है ना, इसको हम ऊपर यही 4 रो हमें इसमें रिपीट करने हैं। ये देखिए, यहाँ पर ये डिज़ाइन डाला था, उसके बाद में हमने 1, 2, 3, 4 चौथे रो पर फिर से यही डिज़ाइन डाला है। तो यही 4 रो आपको बीच में रिपीट करने हैं और साइड में इन पत्तियों की चौड़ाई को कम करना है। तो पूरा पैटर्न समझाऊंगी आपको, वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा अभी। ये देखिए, 8वां रो कम्प्लीट करके 9वां रो स्टार्ट कर दिया है मैंने। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे बीच में दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए, पैटर्न डालकर दो चेन बनाई हुई है मैंने यहाँ पर। अब हम यहाँ से यार्ड नंबर करेंगे और आगे हमारे पास 7 डबल क्रोशिया स्टिचेस हैं। पिछले रो की तरह पहला वाला छोड़ देंगे, दूसरे वाले के ऊपर से डबल क्रोशिया स्टिचेस बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 5 डबल क्रोशिया इस रो में बनेंगे। 2 हो गए, 3, 4 और ये 5। 5 डबल क्रोशिया के बाद में एक चेन बचती है, इसको छोड़ देंगे। अब इसके बाद में दो चेन बनाएंगे हम, अब यार्न ओवर करेंगे। और ये देखिए, ये 3 बार यहाँ पर 3-3 डबल क्रोशिया स्टिच बने हुए हैं। तो जैसे हमने 6 रो में इसके ऊपर डिज़ाइन डाला था ना, 2 बार पैटर्न डाले थे, ऐसे ही यहाँ पर 2 चेन स्पेस हैं, इसके ऊपर हम यहाँ पर 2 बार डिज़ाइन डालेंगे अपना। तो पहले वाली चेन स्पेस में अपना पैटर्न बनाएंगे हम, 3 डबल क्रोशिया स्टिचेस, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया स्टिच, 1, 2, 3। अब इसके बाद में 2 चेन बनाएंगे, और जैसे राइट साइड पर हमने काम किया है ऐसे ही लेफ्ट साइड पर भी काम करेंगे। इस वाली चेन स्पेस के ऊपर पैटर्न बनाएंगे, फिर 7 डबल क्रोशिया के ऊपर 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन का स्पेस बनाकर, फिर 2 चेन का स्पेस बनाकर आखिरी पैटर्न कंप्लीट करेंगे, फिर नेक्स्ट रो स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट। तो देखिए, जैसे 5th रो में हमारे पास यहाँ पर ये वाला डिज़ाइन डाला था ना, यही वाला डिज़ाइन अब हमारा यहाँ पर आ जाएगा। 2 बार पैटर्न हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे इस रो में। और ये देखिए, 10th रो स्टार्ट कर दिया है मैंने, यहाँ पर पैटर्न डाला है, उसके बाद में इसके आगे 2 चेन बनाकर 5 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया हमने यहाँ पर बनाए हैं, पहली और आखिरी चेन छोड़ दी है। इसके बाद में 2 चेन बनाएंगे, अब यार्न ओवर करेंगे, और ये देखिए, 2 बार पैटर्न डाला है हमने पिछले रो में। अब जैसे हमने 6th रो में इन दोनों पैटर्न के ऊपर ये पत्ती डाली थी, सेम यही पैटर्न अब हमें यहाँ पर अपने 10वें रो में डालना है, ठीक है। ये 3 डबल क्रोशिया के बाद में 2 चेन बनाई हुई हैं, अभी हमारा बीच का डिज़ाइन आ जाता है इसके आगे। तो इसमें हम ये जो पहला वाला पैटर्न है इसके ऊपर 9 डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 डबल क्रोशिया के बाद में एक चेन बनाएंगे, अब यार्न ओवर करेंगे, और ये बीच में 2 चेन का स्पेस है। ये देखिए, यहाँ पर हमने एक चेन का स्पेस डाला था अपने 6th रो में, ऐसे ही यहाँ पर हमने 10वें रो में एक चेन का स्पेस डाला है। अभी बीच में पैटर्न डालेंगे, इसमें भी हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, पहले 3 डबल क्रोशिया के बाद में एक चेन बनाएंगे, और फिर उसके बाद में 3 डबल क्रोशिया स्टिच यहाँ पर बनाएंगे। तो 6th रो में भी हमने बीच में एक एक चेन का स्पेस दिया था, और 10वें रो में भी हमने यहाँ पर एक एक चेन का स्पेस दिया है। अब पैटर्न कंप्लीट होने के बाद में एक चेन बनाकर जो आगे पैटर्न है इसके ऊपर हम अपना 9 डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। तो ये हमारी लेफ्ट साइड की पत्ती यहाँ पर डल जाएगी। बहुत ही ईजी डिज़ाइन है, जब आप इसको बनाएंगे ना तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा ये, और ये अपने आप ही ऊपर की तरफ बनता चला जाता है। सिर्फ थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है, थोड़ा सा आप इसको समझ लेंगे तो आप पूरा डिज़ाइन इस तरीके से बना पाएंगे।
तो 9 डबल क्रोशे के बाद 2 चेन का स्पेस दिया है। अब हमने आगे 5 डबल क्रोशे हैं, इसके ऊपर अपने 3 डबल क्रोशे स्टिचेस बना लेने हैं। ये 3 हो गए। अब इसके बाद में 2 चेन का स्पेस देंगे। अब पैटर्न है, पैटर्न के ऊपर पैटर्न डालेंगे तो हमारे 10 रो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो 10वां रो कंप्लीट करके 11वें रो की स्टार्टिंग का काम करके दिखाती हूँ फिर मैं आपको। ये देखिए 11वें रो का पहला पैटर्न बना लिया है, 2 चेन बनी हुई हैं। अब यार्न ओवर करेंगे। 3 डबल क्रोशे हैं, 3 डबल क्रोशे में से जो बीच वाला डबल क्रोशा है, इस बार हमें सिर्फ एक ही डबल क्रोशा स्टिच बनाना है यहाँ पर। ये देखिए बीच वाले डबल क्रोशा की चेन है, इसके ऊपर हम एक डबल क्रोशा बना देंगे। इसके बाद में 2 चेन बनाएंगे, अब यार्न ओवर करेंगे। और ये देखिए इसके आगे हमारे पत्ती के 9 डबल क्रोशे आ गए हैं। 9 डबल क्रोशे के ऊपर 9 डबल क्रोशा स्टिच कंप्लीट करेंगे हम। तो हमारी राइट साइड की जो पत्ती है ये बन जाएगी। तो जैसे 7वें रो में हमने काम किया था, ऐसे ही इस पत्ती को हम बनाएंगे, उसके बाद में बीच वाला पैटर्न डालेंगे और दूसरी साइड की पत्ती बनाएंगे। ठीक है, तो पत्ती वाली 2 रो बनाने के बाद में इसमें ऊपर की तरफ इस पत्ती की शेप को कम करते हैं हम, जिसमें 4 रो और बनते हैं। तो कुल मिलाकर 6 रो में ये पत्ती कम्प्लीट होती है। और फिर नेक्स्ट रो में बीच में से हम फिर से पत्तियों को डालना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे हमने यहाँ पर डाली है। तो इस पत्ती के 9 डबल क्रोशे कंप्लीट करेंगे और उसके बाद में जो हमारा बीच वाला पैटर्न है उसमें हम अपना बीच वाला पैटर्न डालेंगे, ऐसे ही जैसे हमने नीचे 7वें रो में डाला हुआ है। तो यहाँ पर हमने 1 चेन का स्पेस दिया था, नेक्स्ट रो में हम 2 चेन का स्पेस देंगे। ठीक है, तो और फिर उसके ऊपर 12वें रो में ये वाला डिज़ाइन हमें डालना है जो हमने अपने 8th रो में डाला था और जो 4th रो में डाला था। ठीक है, और साइड की जो पत्तियाँ हैं इसको हम ऊपर की तरफ से इसकी चौड़ाई को कम भी करेंगे, तो साथ में ही डिज़ाइन बनता चला जाता है। सिर्फ आपको 4-4 रो जो हैं इसके आगे रिपीट करने हैं, 8th, 9th, 10th और 11th। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी ये पट्टी बनकर कंप्लीट हो जाएगी। ये इस पट्टी की लंबाई आपको रखनी है अपने मुड्ढे तक, जहाँ तक आपका आर्म होल आता है उतनी लंबाई आपको इसकी रख लेनी है। जैसे कि अगर आपकी जैकेट 25 इंच लंबी है तो आपको आपका जो मुड्ढा है वो कम से कम 6 इंच रहेगा, तो 19 इंच लंबी आपको पट्टी बना लेनी है। लेकिन साथ में आपको ये वाले 2 रो का भी ध्यान रखना है। ये जो पट्टी की स्टार्टिंग के 2 रो होते हैं ना, यहाँ पर आने के बाद में आपको मुड्ढे की कटिंग करनी है। तो ये देखिए ये रो कम्प्लीट हुआ है यहाँ पर हमारा। 3 चेन बनी हुई हैं, 2 बनी हुई हैं, एक और बना लेंगे। अब इस पीस को टर्न करेंगे और इस मुड्ढे की कटिंग हम स्टार्ट करेंगे। जैसे कटिंग मुड्ढे की होगी सेम वैसे ही आपको गले की भी कटिंग करनी है। तो हर एक रो की तरह इस रो में भी पहले वाले पैटर्न के ऊपर पहला वाला पैटर्न ही बनाएंगे हम, जो कि हर एक रो के स्टार्टिंग में बनता है। 3 डबल क्रोशा, 2 चेन और 3 डबल क्रोशा स्टिचेस बना लेंगे। ये कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद में 2 चेन बनाएंगे और ये देखिए यहाँ पर ये पत्ती कंप्लीट हुई भी है हमारी। इसके आगे हमारे डबल क्रोशे बने हुए हैं 9, तो इस 9 डबल क्रोशे के ऊपर 7 डबल क्रोशे हमें कंप्लीट करने हैं यहाँ पर। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है नए नए डिज़ाइन सेलेक्ट करने में और उनको खुद सीखकर आपको सिखाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाया करें ताकि इसी तरह का काम करने का जो हौसला है हमारा वो बना रहे। आपका लाइक करना, सपोर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे लिए, तो लाइक ज़रूर किया करें। ये देखिए 7 डबल क्रोशे करने के बाद में 2 चेन बनाई हैं और ये बीच वाला पैटर्न आ गया है हमारा। अब इसके ऊपर हम यहाँ पर इस रो में पहले अपना एक बार का पैटर्न बनाएंगे। यहाँ पर हम 3 बार डबल क्रोशे वाला पैटर्न बनाते हैं, तो यहाँ पर अब हम 3 बार नहीं बनाएंगे बल्कि हम यहाँ पर 2 बार ही बनाएंगे, 3-3 डबल क्रोशे 2 चेन स्पेस के साथ में। तो जो 8th रो का पैटर्न होता है ना, वैसे यहाँ पर वो वाला पैटर्न आता है, लेकिन यहाँ पर अब हमें क्योंकि कटिंग करनी है तो वो पैटर्न हम यहाँ पर नहीं डालेंगे। ये देखिए ये वाला रो है हमारा, ये वाले 3 बार के जो 3 डबल क्रोशे बनते हैं वो यहाँ पर बनने चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमें कटिंग करनी है तो यहाँ पर ये 1 बार का ही पैटर्न डालेंगे हम और उसके बाद में 3 चेन बनाएंगे और इस पीस को टर्न कर लेंगे। अब इसके बाद में अब ये हमारी एक पैटर्न हो गया। अब इसके ऊपर हम एक ही पैटर्न यहाँ पर डालेंगे, जैसे कि हर एक रो के स्टार्टिंग में डालते हैं ऐसे ही ये वाला रो स्टार्ट करना है हमें। और ये हमारी कटिंग का 2nd रो है। 2 चेन बनाएंगे 3 डबल क्रोशे के बाद में, फिर से 3 डबल क्रोशे बना लेंगे। ये हो गए। अब इसके बाद में 2 चेन का स्पेस देंगे और आगे 7 डबल क्रोशे स्टिचेस बने हुए हैं, इसके ऊपर हम 5 डबल क्रोशे बना लेंगे और उसके बाद में 2 चेन का स्पेस देंगे और आखिरी वाला जो पैटर्न है उसको बनाकर इस रो को कंप्लीट करेंगे।
तो अब ये देखिए, ये जो हमने कटिंग स्टार्ट की है ना, ये एक पैटर्न के ऊपर एक एक ही पैटर्न डाला है हमने, इसको ऊपर तक कंटिन्यू रखेंगे, और ये जो इस साइड का पैटर्न है इसको भी ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे, और जो बीच में दो दो चेन का स्पेस देकर ये जो पत्ती हमारी बनी हुई है इसकी जो चौड़ाई है उसको ऊपर तक कम कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से इतना काम मैंने कर लिया है, बीच में पत्ती है और दोनों तरफ दो दो चेन स्पेस के साथ में एक एक बार का पैटर्न है दोनों तरफ, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, क्लियर है। अब ये देखिए, इसको हम मिलाएंगे, ये हमारा एक पैटर्न बना हुआ है, पत्ती हमारी नीचे कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पर दो चेन का स्पेस देकर डायरेक्ट दूसरे वाले जो पैटर्न है हमारा आखिरी वाला, उसके ऊपर हम अपना पैटर्न बना लेंगे। तो ये जो कटिंग है हमारी, ये यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। अब इसके बाद में ये दो पैटर्न ही हम ऊपर तक कंटिन्यू रखेंगे, तो 6 इंच का मुड्ढा आपको इसी तरीके से कंप्लीट करना है। मतलब जैसे कि मैंने बताया था, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी जैकेट 25 इंच है तो आपको 6 इंच का मुड्ढा रखना है, अगर आपको लंबाई ज़्यादा रखनी है हैवी साइज़ में, आप 7 या 8 इंच का मुड्ढा भी इसका रख सकते हैं, ठीक है। तो इसकी लंबाई को बढ़ाना है हमें सिर्फ यही दो पैटर्न के साथ में, बीच में दो दो चेन का स्पेस हम रखेंगे हर एक रो में, और आपको अपने मुड्ढे की लंबाई को इसी तरीके से कम्प्लीट करना है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ अच्छे से मैं आपको समझा पा रही हूँ। उसके बाद में गले की जो कटिंग है वो भी करनी है, सेम इसी तरीके से गले की भी कटिंग करनी है, लेकिन गले में क्या डिफरेंस है, अगर आपने मुड्ढा 6 इंच का रखा है तो आपको गले की जो गहराई है वो ज़्यादा से ज़्यादा 4 इंच ही रखनी है, क्योंकि गला ज़्यादा गहरा अच्छा नहीं लगता है। तो अगर आपने 19 इंच की लेंथ मुड्ढे तक रखी है तो आपको 21 इंच तक लेंथ पट्टी की रखनी है गले के लिए, और उसके बाद में फिर आपको 4 इंच के गले की कटिंग करनी है इसी तरीके से जैसे मैंने आपको दिखाया है। तो 4 पट्टियों पर आपको मुड्ढे की कटिंग करनी है और 4 पट्टियों पर आपको गले की कटिंग करनी है। ये देखिए, इसकी लंबाई को अभी और थोड़ा सा कंप्लीट किया जाएगा मुड्ढे के लिए, लेकिन नेक के लिए इसके रो अब ज़्यादा नहीं बनेंगे, कम ही बनेंगे ऊपर की तरफ, क्योंकि गले की जो गहराई है वो कम ही रहेगी। उसके बाद में यहाँ पर आपको गले पर एक किनारी बना लेनी है, तो उसके लिए इस वाले ये जो पैटर्न है इसमें ऊन जॉइंट करके कोई भी पतली सी किनारी आप इसके ऊपर डिज़ाइनर फैंसी किनारी बना लीजिएगा गले के सहारे सहारे, और ऐसे ही एक किनारी आपको मुड्ढे के सहारे सहारे भी बना लेनी है। और पट्टियाँ जोड़ने किस तरीके से हैं ये मैं आपको दिखाती हूँ अभी। अभी देखिए, जैसे कि आपने ये एक पट्टी रखी है, ये गले की साइड है, ठीक है, तो इसके बराबर में आपको दूसरी पट्टी मिला के रखनी है जिसमें मुड्ढे के लिए लंबी वाली कटिंग हुई हुई है, तो उसको आप इसके दूसरी साइड में रखेंगी बराबर में इससे मिलाकर। जैसे ये हमने एक पट्टी रख दी है, इसके बराबर में दूसरी पट्टी को आप इस डायरेक्शन में रखेंगे, ठीक है, तो ये साइड हो जाएगी मुड्ढे के लिए, और जो अभी मैंने आपको रख कर बताई थी वो साइड हो जाएगी गले के लिए। तो ये दो पट्टियाँ आपको बराबर बराबर में रख कर हाथ की सुई से टाँके लगाते हुए दोनों पट्टियाँ आपस में जोड़ लेनी है, ठीक है, दो पट्टियाँ, फिर उसके बाद में 4 फिर 6 फिर 8 इस तरीके से ये पट्टियाँ जुड़ जाएंगी। मुड्ढे की गहराई थोड़ी ज़्यादा रहेगी और गले की जो गहराई है वो थोड़ी कम रहेगी, जैसे कि मैंने आपको बताया था गला कम से कम 2 या 3 इंच ऊपर आपको बनाना है, और ये कंधी चलेगी ऊपर की तरफ। ये जो पैटर्न है हमारा, ये 2 बार एक पट्टी में है और 2 बार दूसरी पट्टी में रहेगा, तो 4 बार ये पैटर्न ऊपर की तरफ आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से इसको जोड़ना है। आप चाहें तो हाथ की सुई से टाँके लगाते हुए इसमें मोती वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, मोती की एक एक लाइन बीच में आ जाएगी तो वो और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लुक इस जैकेट को देगी। तो अब मैं आपको बताती हूँ इस पट्टी की चौड़ाई को अगर आपको कम करना है तो वो किस तरीके से करेंगे आप। आपको 2 प्लाई की या 3 प्लाई की वूल लेनी है 4 प्लाई की जगह पर, और ये जो पत्ती के साइड में हमने दो दो चेन का स्पेस डाला हुआ है ना, आपको ये 2 चेन का नहीं रखना है, बल्कि आपको सभी जगह पर एक ही चेन का स्पेस रखना है पूरी पैटर्न में पूरे ऊपर तक। जहाँ भी मैंने 2 बार चेन स्पेस दिया है वहाँ पर आपको 1 बार का ही चेन स्पेस देना है, और ये वाला जो डिज़ाइन है ना, ये 5 रो तक तो आपको इसी तरीके से बनाना है। नीचे वाला 6th रो में जब आप ये पैटर्न डालेंगे ना, पहला वाला और दूसरी साइड का आखिरी वाला, तो इसमें आपको 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, और 7th रो में आपको सिर्फ 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 1 डबल क्रोशिया ही बनाना है दोनों तरफ, ठीक है। दोनों तरफ का जो ये पैटर्न है इसमें आपको 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 1 डबल क्रोशिया ही ऊपर तक कंटिन्यू करना है। तो इसमें एक पट्टी की चौड़ाई जो है वो कम से कम 1 इंच कम हो जाएगी, तो 8 पट्टियों पर ये 8 इंच चौड़ाई इस जैकेट की कम हो जाएगी, तो ये 36 to 40 चेस्ट साइज तक के लिए भी बन जाएगी। जो तैयार बनकर होगी वो 40 चेस्ट साइज़ पर होगी, ठीक है। ये 48 की है, वो 40 साइज़ के लिए बनेगी। उम्मीद करती हूँ मैं अच्छे से आपको समझा पाई हूँ। अगर कुछ भी कन्फ्यूज़न आपके मन में रह जाती है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, आपके कमेंट का रिप्लाई करके फिर उसका आंसर कर दूँगी मैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। आप ज़रूर ये जैकेट बनाएगा, इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी ये जैकेट।
तो ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाएं, बिना लाइक किए बिल्कुल ना जाएं, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में आने वाले घंटे के निशान पर ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर क्लिक कर लें, उससे मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहेंगी। और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट के साथ में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय।